Students, how are you all? I hope you are fine. And today we are taking chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. We have seen four part of this chapter already, and today we are taking it further and continuing our study. So, अब हम जो है इसके चार पार्ट देखने के बाद में हम आगे देखने वाले हैं, आगे इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअली हुआ क्या. हम देख रहे हैं कि उनका जो एक इंसिडेंट है वो पूरा मिस है उनके माइंड से, वो याद नहीं आ पा रहा, जबकि जितने भी कैरेक्टर उस इंसिडेंट के वो सारे उनके सामने चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा, वो रिमेंबर करने में एबल नहीं है, वो रिमेंबर नहीं कर पा रहे कि ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ है. वो रांची में भी गए, वो पर्टिकुलर पर्सन से भी मिले हैं, यहाँ तक कि उस इंसिडेंट में लगी हुई चोट भी उनके जो नी है घुटने है वहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उन्हें फिर भी रिमेंबर नहीं आता है. तो अब देखते हैं कि स्टोरी के अंदर होता क्या है, क्या होता चला जा रहा है. तो आगे की ओर बढ़ते हैं. और जो अगर आपने इसके तीन या चार पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको स्टोरी सही ढंग से समझ में आए और हम आगे चलें. तो अब हम फोर्थ पार्ट है इसका वो कंप्लीट कर चुके थे, अब हम फिफ्थ पार्ट पर हैं. हम फिफ्थ पार्ट इसका देख लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. इन द फोर्थ पार्ट वी एंडेड द वीडियो एट पेज नंबर 63. तो हमने जो वीडियो एंड किया था वो पेज नंबर 63 पे किया था. तो उसकी कुछ लाइनें हम वापस से ले लेते हैं ताकि हमको रिकैप हो जाए कि हमने पढ़ा क्या था और हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सके. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो यहाँ पे जो है बात हो रही है, वो कॉल करते हैं चेन्नई में और दिनेश से बात करते हैं. बोलते हेलो इज दैट दिनेश, कि क्या दिनेश है? दिस इज बिपिन हेयर. और इधर से बिपिन बोल रहा है वेल वेल What's the news? उसने कहा कि बताओ क्या न्यूज़ है, क्या खबर है. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. कि आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं बिपिन बोल रहा है कि मैं सिर्फ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इफ़ यू रिकॉल्ड, कि क्या तुम्हें कोई याद आ रहा है, कोई ऐसी घटना याद आ रही है जो कि 58 के अंदर हुई थी, 58 के अंदर जो घटना हुई क्या आपको याद आ रही है कोई. दिनेश से कॉल करके पूछते जो कि रांची में था. अब देखिए आगे 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 कौन सा इंसिडेंट. वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, कि क्या आप कलकत्ता थे उस समय उस ईयर में. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, पहली चीज़ जो मुझे याद आनी चाहिए वो ये कह रहे हैं. वेट जस्ट अ मिनट, अरे थोड़ा इंतज़ार करो, रुको 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. रुको एक मिनट, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो 58 के बारे में. फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस, और एक मिनट के लिए चुप हो जाते हैं. वो डायरी में चेक करता है, बिपिन फ़ोन लगाए हुए हैं, साइलेंस होता है. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि बिपिन बाबू ये फील करते हैं कि उनकी जो हार्ट बीट है वो चली गई है, दिल की धड़कन रुक चुकी है. क्यों? वो ये पता लगाना चाहते हैं कि वो वहाँ थे या नहीं थे. ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा बिपिन को पसीना भी आ रहा है. हेलो यस I've got it. हाँ मुझे मिल गया. I had been out twice. हाँ मैं दो बार गया था. Where? हाँ मैं दो बार गया था. तो विपिन बोलते कहाँ. Once in February nearby to कृष्णानगर to a nephew's wedding. कि क्या कह रहे हैं कि हाँ एक तो फरवरी के अंदर गया था लगभग, जो कृष्णानगर है वहाँ पे गया था मेरे जो भतीजे है उसकी शादी के अंदर, नेफ्यू की वेडिंग के अंदर. And then और आगे कह रहे हैं और उसके बाद में बट यू नो अबाउट दिस वन, लेकिन इस वाले के बारे में तो तुम भी जानते हो. दिस ट्रिप टू रांची, ये तो ट्रिप की मतलब रांची की ट्रिप है. एंड यू वर टू देयर, यू वर देयर टू, और तुम भी वहाँ पे थे. डेट्स ऑल, ये तो तुम भी जानते हो. बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में पूछ क्यों रहे हो, ये किस चीज़ का मैटर. नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स, मैं सिर्फ जानना चाहता था. ठीक है थैंक यू. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, कि क्या कहते हैं जो बिपिन बाबू है धड़ाम से जो रिसीवर जो कान के लगा रखे हैं उसको वापस नीचे रख देते हैं और अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं अपने हाथों से. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और वो ये देखते कि उनका जो सिर है वो स्विमिंग कर रहा है, घूम रहा है. अ चिल seemed to spread over his body, और एक ठंड सी महसूस होती है पूरे उनकी बॉडी पर. There were sandwiches in his tiffin box, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे. But he didn't eat them, लेकिन उनको उन्होंने नहीं खाया. He had lost his
एपेटाइट, उनकी भूख जा चुकी थी। भूख क्यों जा चुकी थी, वो मतलब याद ही नहीं कर पा रहे कि वो रांची में इतने दिन रहे, इतने लोगों से मिले, और वो घटना उन्हें याद नहीं आ रही। और सब उन्हें कह रहे कि हाँ आप भी थे, लेकिन विपिन बाबू एबल ही नहीं है समझने में। चलो अब हम आगे देखते हैं, पार्ट थर्ड इसका देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन व्हाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, कि परिमल घोष ने जो कहा उसको लेकर विपिन बाबू क्यों वरी थे। इसलिए वरी थे क्योंकि उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो चेन्नई में कभी गए थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष, और उन्होंने कैसे ट्राई किया, कैसे चेक किया कि परिमल घोष सही थे या उनकी जो याददाश्त है वो सही है। फ़ोन करके दिनेश को, दिनेश को पूछा कि क्या आप चेन्नई में गए थे, तो वहाँ से उनको आंसर मिलता है कि हाँ वो चेन्नई में थे, और यहाँ तक कि वो खुद भी विपिन भी कहाँ पे थे, चेन्नई में। वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, मुखर्जी से मिलने से वो हेजिटेट क्यों हो रहे हैं। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, और उन आखिर में वो फ़ोन करने का डिसाइड क्यों करते हैं। वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मुखर्जी क्या कहते हैं। डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू, कैसे विपिन बाबू को आराम मिलता है। एड टू हिज वरीज, या फिर चिंता बढ़ जाती है, ये सब हम देखेंगे अब आगे। लेट्स सी पार्ट थर्ड। आफ्टर लंच विपिन बाबू रियलाइज डैट ही कुड पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क, मतलब कि लंच के बाद में विपिन बाबू रियलाइज करते हैं, मतलब कि ये महसूस करते हैं कि ही कुड पॉसिबल कैरी ऑन, कि कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, ध्यान रखना कैरी ऑन का मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू जारी रखना, ओके कंटिन्यू जारी रखना। तो वो ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग, वो बैठना जारी नहीं रह सकते थे अपनी टेबल पे एंड वर्किंग, और काम करते हुए, क्योंकि दिमाग में तो वो चल रहा था वो इंसिडेंट, तो वो लगातार बैठे रहना और काम करना उनसे संभव नहीं हो पा रहा था। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ 25 ईयर्स के अंदर, 25 साल में। ही हैड बीन विद द फर्म, वो हमेशा से दृढ़ रहे, अपने काम में लगे रहे, ऐसा कभी फील नहीं हो रहा कि वो लगातार बैठे नहीं रह पाएंगे। ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस एंड कॉन्शियस वर्कर, और उनकी रेपुटेशन थी, उनकी इज्जत थी, वो जाने जाते थे। किस चीज़ के लिए रेपुटेशन थी, कि वो एक टायरलेस, देखो टायरलेस किसे कहा जाता है, टायरलेस कहा जाता है जो कभी ना थके। कॉन्शियस का मतलब जागरूक, वर्कर मतलब जो हमेशा से जागरूक एक्टिव वर्कर रहे हैं और बिना थके काम करते रहे 25 सालों। बट टूडे हिज हेड वॉज इन विल, विल यानी चक्कर आना, लेकिन आज उनका जो सिर है वो गोल गोल घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं उनको इस इंसिडेंट को लेकर। कॉन्शियस का जो मीनिंग है वो यहाँ पे दे रखा केयरफुल एंड करेक्ट, मतलब कि हमेशा वो केयरफुल रहें, सावधान रहें और सही रहें। हैड वॉज इन विल, इसका मतलब है कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज थे एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, और वो अनेबल है कि किसी चीज़ को वो याद नहीं कर पा रहे हैं, ओके। व्हील का मतलब होता है भंवर, इस जो व्हील है इसका मतलब होता है गोल गोल इस प्रकार से, ये व्हील है मतलब घूमना है। बैक होम एट 2:30, और वापस वो घर आ गए भाई, विपिन बाबू घर आ गए ऑफिस से, कहाँ गए ऑफिस से, घर आ गए कितने बजे, 2:30 पर, 2:30 पे घर आ गए। विपिन बाबू लेट डाउन इन बेड, और वो लेट गए, लेट डाउन यानी लेट गए कहाँ पे, बिस्तरों में। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टूगेदर, विट यानी मेमोरी, विट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, मेमोरी याददाश्त, मेमोरी ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या करे, और वो कोशिश करने लगे कलेक्ट करने की अपनी मेमोरी टुगेदर, याद करने की कोशिश कर रहे थे, जोर जोर से दिमाग पर जोर डाल रहे थे कि उन्हें याद आ जाए। ही न्यू, वो जानते थे डैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, वो जानते थे कि ये पॉसिबल है कि लूज़ कर देना, खो देना, कोई भी व्यक्ति मेमोरी खो सकता है अगर उसको चोट लग जाए हेड के ऊपर, अगर हेड के ऊपर चोट लगे तो मेमोरी जा सकती है, वो ये समझ, लेकिन उनके हेड पे तो लगी नहीं। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन, लेकिन उनको एक भी ऐसा एग्जाम्पल इंस्टेंस याद नहीं आ रहा किसी का, कि रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, कि उनको सब कुछ याद है एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिर्फ एक इंसिडेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ याद है, ऐसा कोई एग्जाम्पल उनके सामने नहीं आ रहा था। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और ये भी बिल्कुल जो हाल ही में हुआ और एक महत्वपूर्ण घटना, वो याद नहीं आ रही। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा जाना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे, रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर,
और वो जा भी चुके हैं, उन्हें ये बात याद नहीं आ रही, एंड डन थिंग्स, और वहाँ पे कुछ काम भी कर चुके हैं। नॉट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और याद ना आना बिल्कुल भी, ये तो असंभव सी बात थी। भाई ऐसा तो होना चाहिए ना कि वो नाचे भी गए हैं, वहाँ पे कुछ काम भी करके आए और उन्हें याद ही नहीं आ रहा, दैट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कैम, बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है एंड अनाउंस्ड, और कहता है चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर्वेंट आते कहता है कि सर चुन्नी बाबू है, और वो कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते कि चुन्नी किसके लिए आया है, चुन्नी किस काम के लिए आया। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में था हर समय। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और उसका रफ टाइम चल रहा था। रफ टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम वाला समय, जब उसके किसी के समय में प्रॉब्लम्स होती है तो उसको रफ टाइम कहते हैं, खराब समय। ओके, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और उनका रफ टाइम चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब, और वो उसके पास आ रहा था कि उसके लिए वो कोई जॉब ढूंढते, उसके पास जॉब नहीं थी चुन्नी लाल के पास में, तो बिपिन के पास में आ रहा था कि कोई जॉब हो तो दिला दे। बिपिन न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू जानते थे कि ये इम्पॉसिबल है कुछ भी करना उसके लिए। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसने इसको ऐसा कह भी दिया। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी, लेकिन चुन्नी तो लगातार बार बार वहाँ पे चला आ रहा था एक खोटे सिक्के की तरह, एक बैड पैनी की तरह, पैनी यानी होता है पैसा। ओके, बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड डैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि उसने सर्वेंट के जरिए मैसेज भेज दिया चुन्नी लाल को, क्या क्या कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो चुन्नी से मिल पाए इस वक्त, और अगले कुछ वीक्स तक भी वो चुन्नी लाल से नहीं मिल पाएगा, ये उन्होंने संदेश भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे सर्वेंट बाहर निकला रूम से, इट स्टक बिपिन बाबू डेट चुन्नी माइट रिमेंबर, कि बिपिन बाबू को याद है कि चुन्नी को तो शायद याद होगा ना समथिंग अबाउट 58 ट्रिप्स, कि जो 58 में ट्रिप हुई थी उसके बारे में कुछ तो याद होगा। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उसे पूछने में कोई नुकसान तो नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी से दौड़ कर स्टेयर्स पे जाते हैं, इन टू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चले जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सींग बिपिन बाबू अपियर, लेकिन जैसे बिपिन बाबू को वहाँ पे आते हुए देखा, ही टर्न राउंड हॉफ पुली, तो वो उनकी तरफ उम्मीद के साथ में घूम जाता है। बिपिन बाबू डिन बीट अबाउट द बुश, यहाँ पे एक फ्रेज है ठीक है, डिंट बीट अबाउट द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब कि सीधी बात करना, सीधी की सीधी बात करना, मतलब इधर घुमा फिरा के बात ना करते हुए सीधी बात पूछना। तो बिपिन बाबू डिंट बीट अबाउट द बुश, उन्होंने बीट अबाउट द बुश नहीं किया, मतलब कि इधर उधर की बात नहीं की, सीधी पॉइंट की बात की। लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, चुन्नी सुनो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी याददाश्त भी काफ़ी अच्छी है। यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम लगातार मुझे ऑफ एंड ऑन, लगातार मतलब कि नाव एंड देन का मतलब, ऑफ एंड ऑन का मतलब लगातार यदा कदा हमेशा देखते चले आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ पास्ट में, एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, और मुझे बताओ कि तुम 58 में, सॉरी मैं 58 में रांची गया था क्या। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, ये 58 था या 59 था, वो ऐसे सोच रहा है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, यू आर श्योर, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक्स ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, चुन्नी का जो लुक्स लुक था, जो उसका हुलिया था चकित होने का, अमेजमेंट का, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ चिंता के साथ में। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ पे गए हो, इस बात को डाउट है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है ये बात। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफ़ा के ऊपर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग, और वो लगातार चुन्नी बाबू को देखता रहा। हर्ड स्टेयर एंड सेट, काफ़ी देर तक तो घूरता रहा और फिर कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया है
या कुछ नशे की चीज़ लिए बिपिन? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. तुम्हारा तो क्लीन रिकॉर्ड है जहाँ तक चीज़ों का सवाल है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए जो ओल्ड फ्रेंडशिप है उसका ज़्यादा मतलब नहीं है. बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है. यू कॉन्ट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट अ रांची ट्रिप. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कैसे भूल सकते हो रांची की ट्रिप को. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इन क्रेडलेस स्टेयर. जो बिपिन बाबू है वो टर्न अवे हो जाते हैं, हट जाते हैं. चुन्नी जो लगातार उनको घूरते हुए देख रहा है उसकी नज़र से वो हट जाते हैं. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. निश्चित रूप से तुम एक ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते हो. यू रिमेंबर डैट यू डोंट रिमेंबर. और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें याद ही नहीं है कि इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. कि इट वॉज आई की ये तो मैं ही था जिसने फिक्स की थी तुम्हारी रेलवे बुकिंग रांची के लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. और मैं खुद गया था स्टेशन तुम्हें छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए. ध्यान रखना सी ऑफ का मतलब, यहाँ पे एक वर्ड आया सी ऑफ. ओके, वापस स्पेलिंग लिखता हूँ, सी ऑफ. इसका मतलब है किसी को स्टेशन पे छोड़ने जाने को क्या कहा जाता है, सी ऑफ करना. कि हम जाते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं वापस, जब हम उन्हें स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो उसको सी ऑफ कहा जाता है. ओके, तो वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और तुमको पता है कि उस समय तुम्हारे वन ऑफ फैंस की एक फैन, एक पंखा तुम्हारे कंपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. और मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लेके आया था इसको फिक्स करने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग. क्या तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज मैटर विथ यू. अरे जो भी मामला हो तुम्हारे साथ में, यू डोंट लुक टू वेल. कि तुम सही नहीं लग रहे हो मुझे. यू नो, तुम जानते हो. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिला दिया. आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. कि मैं बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीज़न. ये रीज़न हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. कि मुझे एक स्पेशलिस्ट से, एक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा मेरी याददाश्त को लेकर. किसने कहा? बिपिन बाबू ने. अब ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा हमारा. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मैड चुन्नीलाल लीव. और इसमें कोई संदेह नहीं थी कि जो बिपिन की कंडीशन है उसने चुन्नीलाल को वहाँ से रवाना होने के लिए मजबूर कर दिया. विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब. बिना मैंशन किए हुए जॉब को लेकर, मतलब जॉब की बात ही नहीं हुई और वहाँ से वो चला गया जिस प्रकार की कंडीशन उसने बिपिन बाबू की देखी. परेश चांदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. वहाँ पे एक फिजिशियन है, फिजिशियन कहा जाता है डॉक्टर को, जिसका नाम क्या है, परेश चांदा, जो कि यंग फिजिशियन है. ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी. विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आँखें हैं और एक तीखा नाक है. ही बिकेम थाटफुल वेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स. और वो काफ़ी ज़्यादा थाटफुल हो गया, सीरियस हो गया जब उसने बिपिन बाबू के लक्षण देखे. लुक डॉक्टर चांदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ हॉरिबल इलनेस. कि आपको मुझे मेरा इलाज करना होगा इस भयानक बीमारी से. आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट अफेक्टिंग माई वर्क. मैं बता नहीं सकता ये कितना अफेक्ट कर रही है मेरे वर्क को. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने लिया. बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, तो आप उसके लिए वेट करें. और बाकी के जितने भी पार्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए, वो डेफिनेटली आपको देखना होगा. तो इसको मिलाकर हमारे 5 पार्ट्स हो गए. और आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड, आई एडवाइज़ यू टू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. तो इस चैप्टर को समझने के लिए सभी वीडियोज़ को आप सही ढंग से देखें. गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ.